एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपको हर हफ्ते नए बिजनेस आइडिया से वाकिफ कराते हैं, ताकि आप भी अपने खुद का कारोबार शुरू करने के लिए इंस्पायर हो और एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया से जुड़ जाएं। कहते हैं सुबह का नाश्ता आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, और भारत में तो हमें पता है नाश्ते की इतनी बड़ी वैरायटी है। इसमें आप पराठे खाएं, समोसा कचौरी खाएं, पोहा खाएं, उपमा खाएं, लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे ही अब भूख लगने लगी है। लेकिन अगर आप विदेश की बात करें, जैसे अमेरिका हो, यूरोप हो, तो वहां का नाश्ता एक समान ही दिखता है, और वो है ब्रेकफास्ट सीरियल्स। और जिन लोगों के पास कम समय रहता है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है सीरियल बार्स या फिर न्यूट्रिशन बार्स। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे भारतीय एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने अंग्रेजों के इस नाश्ते के बाजार को लूट लिया है। सबसे पहले मिलेंगे मुंबई के विजय उत्तरवार से, जो 2006 में न्यूट्रिशन बार्स के कारोबार में उतरे। आज वो 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। कैसा रहा है इनका ये सफर, आइए देखते हैं। काम की भागदौड़ में ब्रेकफास्ट करना रह गया, मीटिंग में बिजी थे तो लंच मिस हो गया। आखिर कब तक काम के बहाने हम अपनी सेहत को दांव पर लगाते रहेंगे। विदेशियों ने इसका हल ढूंढा और ऑन द गो खाने के लिए न्यूट्रिशन बार बनाए, जो सीरियल, ड्राई फ्रूट्स और टेस्टी फ्लेवर्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं। भारत में न्यूट्रिशन बार का कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं है। नेचुरल कंपनी का राइट बाइट एक ऐसा ब्रांड है जिसमें ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से न्यूट्रिशन बार के अलग अलग वेरियंट्स मिलते हैं। हमने स्पेशलिटी बार्स लॉन्च किए, उसमें शुगरलेस बार जो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है, वर्कआउट बार जो जिमनेशियम के लिए जाए, वर्कआउट करे उनके लिए प्रोटीन चाहिए उनके लिए था। हमारे पास एक वुमन बार है जिसमें वुमन के लिए जो न्यूट्रिशन लगता है वो न्यूट्रिशन वो बार में ज़्यादा करके मिलता है। तो ये स्पेशलिटी बार हमने बाद में लॉन्च किया। उसके बाद में अभी रिसेंटली हमने मैक्स प्रोटीन बार लॉन्च किया। मैक्स प्रोटीन बार ये मील रिप्लेसमेंट बार के जैसे हैं, ओके, जिसमें प्रोटीन के लिए 20 ग्राम प्रोटीन है, वेरी हाई प्रोटीन इट हैज़। जब आपको प्रॉपर लंच नहीं होता है उस समय ये मैक्स प्रोटीन खाने से आपको लंच खाकर जितना पेट भरने का सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मिलता है जरूर, साथ में काफ़ी सारे आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है, ओके, यू नो, बैलेंस न्यूट्रिशन विच इज़ बैलेंस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, साथ में 21 विटामिंस एंड मिनरल्स, 5 ग्राम फाइबर, ओमेगा 3, प्रीबायोटिक एंड होल लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट यू गेट। नागपुर के विजय उत्तरवार ने नेचुरल इंडिया कंपनी की शुरुआत लोगों को बेहतर और हेल्दी खाने की आदत लगाने के नेक इरादे से की। नागपुर के छोटे से गांव से निकलकर कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के बाद समाज के प्रति कुछ करने के लिए विजय उत्तरवार ने नेचुरल की शुरुआत की। एक स्टीविया करके प्लांट है, ओके, आई केम अक्रॉस स्टीविया, वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ स्टीविया का इनकम फार्मर्स के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू वीट और कॉटन, ओके, और फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट नेचुरल स्वीटनर विद जीरो कैलोरी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस प्रपोजिशन है, ओके। सो आई वॉन्टेड अ प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड हाउ बिग द मार्केट इज, ओके, एंड दैट्स हाउ नेचुरल एज अ कंपनी हैज स्टार्टेड। विजय ने कंपनी में 10 करोड़ का शुरुआती निवेश किया। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बाद हैदराबाद में फैक्ट्री लगाई और न्यूट्री बार्स का प्रोडक्शन शुरू किया। राइट बाइट को पहला इंडियन न्यूट्री बार होने का ओहदा मिला, लेकिन कंज्यूमर्स में खुद को साबित करना कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। कंज्यूमर बिजनेस में अनुभव की कमी और भारतीय कंज्यूमर्स में न्यूट्री बार्स की अवेयरनेस की कमी की वजह से इस कारोबार के सामने कई मुश्किलें खड़ी हुई। उस समय अवेयरनेस न्यूट्रिशन बार के लिए बिल्कुल ना के बराबर था। थोड़े बार इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आते थे,
उनका जो जानकारी था वो कस्टमर्स को मालूम है। तो हमको सबसे पहले तो बहुत तकलीफ हुआ कन्विंस करने में ये चॉकलेट नहीं है। ओके, काफ़ी सारे कंज्यूमर्स इसको चॉकलेट के तरीके से खरीदते थे और खोलने के बाद ओ इसमें तो चॉकलेट नहीं है, तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट भी होते थे। तो हमको काफ़ी सारा पैकेजिंग में चेंजेस करना पड़ा जिसके कारण कस्टमर को दिखे ये न्यूट्रिशन बार है, ये चॉकलेट नहीं है। कंज्यूमर रीच बढ़ाने के लिए टीवीसीज के अलावा कई अलग अलग पैंतरे आजमाए गए, जैसे ग्राहकों के लिए फ्री सैंपल्स, डाइटिशियंस के जरिए कंसल्टिंग, जिम में कंसल्टेशन, और इसका नतीजा कंपनी को धीरे धीरे देखने को मिला। सालाना 30 से 35 फीसदी की तेजी से कंपनी आगे बढ़ रही है। 3 प्रोडक्ट से शुरुआत करने के बाद समय समय पर नए प्रोडक्ट लॉन्च और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश में है। वी कवर 99% ऑफ द सुपरमार्केट्स, ऑल चेन सुपरमार्केट्स प्रोडक्ट इज अवेलेबल, मोस्टली फ्रॉम द लार्ज सिटीज। वेर एवर वी सी आवर पोटेंशियल कस्टमर्स जहां आते हैं वहां प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। कंपनी ने 2012 तक 50% मार्केट शेयर हासिल किया है। बेकिंग प्रोडक्ट के नए लॉन्च के लिए कंपनी अगले 6 महीने में दूसरी फैक्ट्री शुरू करने की तैयारी में है। महंगे और देरी से पहुंचने वाले इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले ग्राहक इंडियन ब्रांड्स को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए इस कारोबार में नए लोगों के लिए कई मौके हैं। और विजय के मुताबिक इंडियन न्यूट्रीबार इंडस्ट्री में नए लोगों के आने से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, जिसका फायदा कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन